शांति। 21 अगस्त 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। बच्चे तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। आज की मुरली का प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। बाबा ने उत्तर दिया, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। बाबा कहते, जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। सेकंड पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। आज की मुरली का वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूरत भव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूरत भव। विश्लेषण है, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्वशक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। बाबा कहते, बच्चे सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो
तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। आज की मुरली का स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। ओम शांति।